विधानसभा सत्र की थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी। नेता विपक्ष विजेंद्र से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने, क्या कुछ कहना था उनका सुनिए। दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली है आतिशी के रूप में और आज से दो दिन का दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र जी आप भी नई भूमिका में हैं, मुख्यमंत्री भी नई मिली है, क्या कुछ एजेंडा आपका रहने वाला है? अभी देखते हैं अंदर जाके क्या होता है, बाकी जनता के मुद्दे उठाएंगे, सीएजी की रिपोर्ट टेबल करो, ये बात करेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पहली बार बतौर एक विधायक के रूप में ही शामिल हो रहे हैं। पार्टी केजरीवाल की है, सरकार भी केजरीवाल की है, वो डमी मुख्यमंत्री बना के अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इससे पहले हमने देखा था कुछ महीनों पहले आप राष्ट्रपति के पास भी गए थे दिल्ली के अंदर जो संवैधानिक संकट है उसको लेकर। इसके अलावा आपने सत्र को बढ़ाने की भी मांग की। निश्चित रूप से, दो दिन में क्या होता है, छह महीने में सत्र हो रहा है। और क्या क्या मुद्दे होंगे सर? जनता के मुद्दे होंगे, सीवर है, पानी है, सड़कें हैं, बुरी हालत है, लोगों के पास गए थे, उनके मुद्दे लेके आए, वो सब बातें करना चाहते हैं हम। तो देखिए विजेंद्र गुप्ता जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वो विधानसभा में उठाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।